किसी रेसिपी बना रही बता रही हूँ जिसमें कि आप फायरलेस रेसिपी है या आइसक्रीम की, आपके बच्चे ही बना सकते हो। और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आप हमेशा इसे बनाएंगे, मतलब आपके हर हफ्ते ही आइसक्रीम जरूर बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आइए चलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर दो हाइड एंड सीक के बिस्किट लिए हैं, कोई भी, वैसे आप कोई भी चोको चिप वाले बिस्किट ले सकते हैं। और ये 20 ग्राम का पैकेट है, इसमें 18 बिस्किट आते हैं, तो इस तरह से मैंने 36 बिस्किट लिए हैं। फ्रेंड्स ये 120 ग्राम का एक पैकेट है, यानी कि हमारे 240 ग्राम बिस्किट्स हैं। इसमें देखिए चोको चिप बहुत होता है, और चॉकलेट बिस्किट में ये फ़ायदा होता है कि आपको कोको पाउडर वगैरह डालने की नीड नहीं होती। इसे हम रैंडमली इसी तरह से छोटा छोटा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे मैंने रैंडमली इसको छोटे छोटे उसमें कर लिया है। अब मैंने 1/4 कप चीनी ली है। अगर आप मीठा तेज खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1/4 कप जरूर लें क्योंकि आइसक्रीम हल्की मीठी पसंद करते हैं सब लोग। तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, और इसको सुपर क्रीमी टेक्सचर और बिल्कुल बाजार का लुक देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिलाई। ये नॉर्मल मिलाई है जो हम दूध के ऊपर से निकालते हैं। यदि आपके पास मिलाई नहीं है तो आप या तो मिल्क पाउडर की मात्रा बढ़ा दें, या फिर जो अमूल की क्रीम आती है, फ्रेश क्रीम या कुछ कोई भी क्रीम, वो भी आप 1/2 कप डाल सकते हैं। क्रीम डालने से आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल बाजार का लुक दे, बिल्कुल बाजार का टेक्सचर आता है और वही टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। ये दूध मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है, इसमें चिल्ड दूध डालना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और हमारी आइसक्रीम देख लिए इतनी जल्दी झटपट से तैयार भी हो जाएगी। मैंने एक कंटेनर लिया, पहले इसका टेक्सचर देखिए, ये कितना क्रीमी लुक दे रहा है, जैसे मार्केट की आइसक्रीम होती है उसी तरह से ये क्रीमी लुक देगा। और दोस्तों ये मैंने कैप्रीज की चॉकलेट ली है, आप इसके कैसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते किसी चीज़ का, यदि आप बिस्किट वगैरह जिससे भी पसंद करें आप उसी से ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक बॉक्स लिया है और आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं, कितना क्रीमी लुक दे रहा है। इस तरह से खाने में भी ये बहुत एक्स्ट्रा क्रीमी होती है। फ्रेंड्स देखिए ये हमने एक बॉक्स में कर लिए, इसके ऊपर आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे इसमें जो चोको चिप हैं वो आपको चॉकलेट का टेस्ट देंगे, लेकिन फिर भी बच्चे इसे बड़े पसंद करते हैं। यदि आप चॉकलेट चिप चॉकलेट या फिर कुकीज़ वगैरह डाल देते हैं तो ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसे आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। फिर आप या तो सिल्वर फॉइल ले लीजिए या इस तरह की कोई भी दाल की पन्नी आती है, ये मेरी चॉकलेट ही लगी हुई है, इस पर मैंने एक आइसक्रीम जमाई थी, तो आप इसको इस तरह से कर दीजिए। और इसको फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है हमें किनारे से ये दबानी है ताकि इसमें एयर बबल ना जाए। दोस्तों हमारे घर में तो इसको ऐसे ही पसंद करते हैं, लेकिन यदि आपके घर में सुपर सॉफ्ट इसे खाना चाहते हैं तो आप इसे 3 घंटे 2.5 या 3 घंटे बाद फ्रीज में से निकालिए और एक बार ग्राइंड कर लीजिए और फिर इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। अदरवाइज़ आप इसे अगर 4-5 घंटे ऐसे भी डीप फ्रीज़र में रखेंगे, ऐसे भी खाएँगे, तो भी ये आपके घर में सबको पसंद आएगी, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट होती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें इस गर्मियों में और मुझे बताएं आपके बच्चों को ये कैसी लगी। फ्रेंड देखिए इसको मैंने फ्रिज में रखे 5 से 6 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे कुछ देर पहले निकाल दिया था और मैंने इसे दोबारा मिक्सी में नहीं चलाया है। यदि आप इसे सुपर सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप मिक्सी में चलाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं मतलब इस तरह की आइसक्रीम पसंद है। टेक्स्चर बड़ा अच्छा लगेगा आपको और खाने में बहुत ही यम्मी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये आपकी कैसी बनी है। थैंक यू।